एक आम्ही रिक्षा इथे लावली होती कामासाठी, तर इथं जागा ते म्हणतात का इथं कसं काय लावली, मग काम इथं असल्यावर का रोडवर आम्ही गाडी लावायची का? आप देख रहे एमसीएन समाचार, अभी मौजूद है हम महानगर पालिका के पास। यहाँ पर हमारे साथ है नितिन गंगौनी साहब, जिसने सुबह में महानगर पालिका में कुछ काम से अपना रिक्शा लेकर आए थे, रिक्शा वहाँ खड़े करे थे, और इन्होंने एक ऑफिसर से बात करे। आइए उनसे जानते हैं कि महानगर पालिका का इस वक्त में जो नुकसान हुआ उसको लेकर क्या बोलना है। क्या नाम है आपका, पूरा नाम बोलिए? नितिन सारंगधर गंगौनी। महानगर पालिका की किससे बात हुई आपकी? सकाराम पांजरे साहब, साइट इंजीनियर के हूँ, सिटी इंजीनियर है। क्या बोलना है उनका ये नुकसान भरपाई के बारे में? उनका बोलना है कि भाई तुमने यहाँ पे लगाए क्यों थे, इसकी भरपाई वगैरह हम कुछ करते नहीं, तो क्या है तो आप इससे कर लो, बोले इंश्योरेंस से कर लो। तो इसके ऊपर इंश्योरेंस वगैरह है क्या अभी? हाँ है ना। तुमसे क्या मानना है? माझं हे म्हणणं आहे की आम्ही रिक्षा इथे लावली होती कामासाठी, तर इथं जागा ते म्हणतात का इथं कसं काय लावली, मग काम इथं असल्यावर का रोडवर आम्ही गाडी लावायची का? माझं म्हणणं आहे की मला जशी आमची रिक्षा उभी होती तशी उभी करून द्यायची बस। महानगरपालिकेने बहुत जगह अतिक्रमण करे पार्किंग को लेकर के, भाई पार्किंग की जगह नहीं, लेकिन महानगरपालिका में खुद पार्किंग के लिए जगह नहीं, इसके बारे में क्या बोलना है आपका, इसलिए आपने जगह बाहर खड़े कर? नहीं मग त्यांनी पार्किंग की जागा करायला पाहिजे ना। जर पार्किंग ची जागा, पार्किंग मध्ये जर जागा केली असती तर आम्ही कशाला इथं झाडा खाली लावली असती गाडी? आता ते झाड तुटणार आहे आम्हाला माहित ना, बरं झालं ते बाहेर निघले म्हणून तेव्हा झाड पडलं, थोडक्यात वाचलं। आज काय दिलं असतं तुम्ही आम्हाला, माणूस भरून दिला असता का? तो अभी महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से आपकी क्या मांग है? आम्हाला हेच म्हणणं आहे की आमची नुकसान भरपाई करून द्या, गाडी जशी उभी होती तशी उभी करून द्या आम्हाला, कारण की आमचं सगळं त्याच्यावरच आहे, आणि ती गाडी उभी दिली तर आम्ही पोट भरू, हप्ते भरू त्याचे, नाही तर हप्ते कसे भरणार आम्ही त्याचे, हप्तेवाले का कोणी थांबू पण नाही राहिले ना। माझं एवढं म्हणणं आहे मला गाडी उभी व्हायची फक्त। अभी हमने नितिन गंगौनी से बात करे, नितिन गंगौनी का कहना है की महानगर पालिका ने खुद पार्किंग के लिए जगह नहीं रखी, और वो वजह से उन्होंने रास्ते पर रिक्शा खड़े करा थे और नुकसान हुआ उनका, नुकसान भरपाई देना चाहिए महानगर पालिका ने, क्योंकि महानगर पालिका खुद इसके अंदर लापरवाह है, ये इनकी मांग है नितिन गंगौनी साहब की। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहे एमसीएन समाचार, सैयद एहतेशाम उल्लाह के साथ, कैमरामैन आमिर खान।